यहाँ पे पूरा भेड़ फार्म है कर्मी के ऊपर ना। वाह, नीचे से बकरी आ रहे ना, यहाँ पे बकरियों का फार्म है ये, भेड़ों का। ये देखो कितने खतरनाक जा रहे ऊपर लाइन वाइज करके। ये कर्मी से ऊपर पड़ता है ना मजुआ है वहाँ पे। ये देखो ये पूरे भेड़ों का इलाका है ये, यहाँ पे दुनिया भर का ये गोबर का ढेर है ये। ये देखो बहुत पुराने जमाने का है ये सीट फार्म। ये वहाँ पे ना छोटे छोटे भेड़ों के बच्चे बाकी, तो उनको ऊपर चराने लेकर गए हैं। ये पूरा एरिया भेड़ों का ही है। हम विनायक पहुँच गए, विनायक का वो है मेन दुकान यही है इकलौती। फिर यहाँ से अलग ही पहाड़ी लगती है। और मम्मी लोग भी उतर गए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे से पैदल चलेंगे थोड़ा। हम ना विनायक के दुकान में पहुँच गए हैं और मैं ना आधे रास्ते में ही उतर गई हूँ। थोड़ा चलो ना, मेरा बहुत ज़्यादा पेट घूम गया और यहाँ पे धूप भी अच्छी लगी है, तब मैं पैदल जा रही हूँ। यहाँ पे इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही है ना, गर्मियों के लिए अच्छा, अभी के लिए तो, पर लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी वाली ठंडी हवा। पता है ये यहाँ का ना फेमस होटल है, यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे रुकता है। इकलौता होटल है क्योंकि आगे को बहुत दूर दूर तक, दो दो तीन तीन किलोमीटर तक कोई होटल नहीं है। और यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है खाने की, यहाँ बाकी तो मुझे पता नहीं है। हमने ना दुकान पे चाय पी लिया और समोसा खाया, बाकी चॉकलेट आए हुए 10 रुपये का मेरे, और ये जियाजी चिप्स लेकर आए हैं। पहुंच गए, अभी मैं आपको यहाँ का नजारा दिखा दूँ, मतलब इतना खूबसूरत है ना बता नहीं सकती। कौन लाएगा? मेरा पापा है वो प्रेशर कुकर नीचे, क्या खिचड़ी जो बनी हुई आप खाओगे? यहाँ पे देखो बहुत पुराना खंडर है लेकिन फिर भी टॉप पे है, तो कितना मस्त लग रहा है ना। वाव, ये पापा लकड़ियाँ ढूंढ के ला रहे हैं। अब ये यहाँ पे खाना गरम करेंगे। ये हमारा मकान है नया और यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे मस्त। लकड़ियाँ बड़ी तगड़ी है पापा, लेकर जाएंगे घर। अले बंदर जैसी बैठी है, कैसी लग रही तू? महात्मा जैसी गुनुक जैसे गोल ऐसे पकड़ के ऐसे उठा दो ऐसे। इनकी फर्स्ट 31st की तैयारी चल रही है, आग सेकेंगे अभी ये लोग। यहाँ पे देखो पापा लोगों ने आग जला दिया धुएं वाली। वाह, अब तुम लोग यहीं रहो ठीक है। गाड़ी कैसे चलाऊंगी मैं? और जियाजी को सदमा पहुंचा, पागलों की तरह एक डंडा लेके एक हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे। वाह, यहाँ से बुर को गिर रही है, फिर लकड़ी फेंक दी। छी छी, आई हेट दिस, क्या चिड़ा रहे हो है? मैं नहीं खाती मांस वांस, इतनी पापी थोड़ी हूँ। वैसी चिकन हो गए। ये अपने चिकन पता नहीं पेटी में क्या क्या 5 किलो है। वाह, माल्टा भी लेकर आए हैं। गुड गुड, पापा चिकन गरम कर रहे हैं। इतना ही है? थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा गरम। मामा लो
हाँ हाँ जल्दी आओ स्नैक्स है। दो तीन टिफिन में पैक करके लाए हैं चिकन। मैं पत्थर में माल्टा काट के खा रही हूँ यहाँ पे। ये चिकन गरम हो गया है। ये देखो ये इनकी पार्टी शुरू होगी। अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं वीडियो से बाहर। ये लोग पार्टी कर रहे हैं और इधर को बहुत तेज हवा चल रही है इधर से और गाड़ियां भी आई हुई है ना। ये गाड़ी वहां पे रुकी है और एक तो हमारे साथ ही रुकी हुई है लोगों की। वो ऊपर दूसरे धाम में वहां धाकुड़ी बोलते हैं ना, वहां हम 5 दिन रहे हैं शूटिंग पे, तो आधे लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लेडीज पार्टी है ना, इसलिए सब दूर दूर। अब मम्मी और मैं घूम रही इधर को, ठीक है। मेरी बैटरी कभी भी ट्रैक हो सकती है इसीलिए। मैं भी दोबारा चिकन गरम कर रही हूँ। ये अब आग लगी ना भयंकर, अब चिकन गरम हो रहा है। और यहाँ पे अभी मेरा यहाँ पे खिचड़ी, मांस की खिचड़ी बना के लाया, मैं उसको गरम करती हूँ। मेरे को बहुत भूख लग रही है, नाश्ता करे बिना आई हूँ। तो गाइस पापा लोग अभी पार्टी कर रहे हैं और मैं अब यहाँ से घुस के जा रहा हूँ। मैं आपको ना दूसरी लोकेशन दिखा रही हूँ क्योंकि फिर मेरी बैटरी लो होने वाली है, मैंने पावर सेविंग पे लगा है ना इसीलिए। मस्त है ना, कितना बड़ा पत्थर है ये। मुझे ना मोबाइल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा ना। ये यहाँ पे किसी का जूता फंसा है, यहाँ पे दलदल तो नहीं, डर लग रही है। ओई ऐसा लग रहा है ना दलदल है, इसके नीचे फंस जाएंगे, इतने गहरे गहरे पैर किसके पता नहीं। किसी का जूता फंसा है, कितना खतरनाक वो है यार, मतलब पत्थर इतना बड़ा सा, खतरनाक ही लग रहा ना। वाव मजा आ गया यहाँ के। यहाँ पे भी एक मकान है, बाप रे। यहाँ पे ना पतीले पतीले इकट्ठे कर रखे हैं, इतने सारे है। अरे वाह, लोग यहाँ पे बैठे हैं पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पे छोटू सा गाय भी है ना। हेलो हेलो कलुओ, हेलो कालुओ, हाउ आर यू। सेम सेम गाय है ना सारे, कितने मस्त लग रहे हैं। दूसरी जगह पे और अब मैं वापस अपने अड्डे पे जा रहे हैं जहाँ पे अब हम खाना खाएंगे।